भारतीय मूल की प्रथम अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉक्टर कल्पना चावला की मध्य प्रदेश में पहली प्रतिमा स्थापित की जाएगी रीवा के पॉलिटेक्निक कॉलेज में। इस मौके पर डॉक्टर कल्पना चावला के पिता, प्रभारी मंत्री, विधायक, सांसद सहित तमाम लोग मौजूद रहेंगे। भारतीय मूल की प्रथम महिला अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉक्टर कल्पना चावला की प्रतिमा का अनावरण समारोह 12 फरवरी दिन रविवार को उनके पिता बनारसी दास चावला सहित प्रभारी मंत्री, विधायक, सांसद की मौजूदगी में रीवा के पॉलिटेक्निक कॉलेज में किया जाएगा। कल्पना चावला की यह मध्य प्रदेश में पहली प्रतिमा होगी, जिनके लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने भी कहा था, उनके देश के इतिहास में कल्पना चावला जैसी बहादुर महिला ने कभी जन्म नहीं लिया। मैं उन्हें सलूट करता हूं। हमने जिम्मेदारों से बात की। मैं इस समय मौजूद हूं एक ऐसी जगह पर जहां अंतरिक्ष में जाने वाली भारत की प्रथम महिला को याद करने का आयोजन किया जा रहा है। मैं बात कर रहा हूं कल्पना चावला की। अपने दर्शकों को बता दूं, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, किनारे हुई है कल्पना चावला 17 मार्च 1962, जिनकी 1 फरवरी को मौत हो गई थी अमेरिका में, जब वो स्पेस से लौट रही थी। किस तरीके से वो हादसा हुआ था पहले हमारे दर्शकों को बताइए। कल्पना चावला जब अंतरिक्ष से वापस आ रही थी तो 13 मिनट मतलब लगभग 27,000 दूरी रह गई थी जो अपने पृथ्वी के सतह पर आने पर, तो नासा केंद्र से उनका संपर्क टूट गया और इसके बाद देखते देखते वो पूर्ण रूप से ओझल हो गया पूरा केंद्र। और बहुत तलाश के बाद ये मालूम पड़ा कि उसकी राख के समान टुकड़े उड़ते हुए धरती पर दिखाई पड़े। उस स्पेस में कितने लोग थे? उस स्पेस में 7 लोग थे, जिसमें कल्पना चावला रिबोट संचालक के रूप में। 7 लोग थे जी, जिसमें एक भारतीय मूल की महिला कल्पना चावला भी थी। आज उन्हीं को याद करने का रीवा वालों ने तय किया है। उनकी याद में हम रीवा के पॉलिटेक्निक कॉलेज में एक स्टैचू उनका लगाएंगे। स्टैचू की क्या होगी साइज? स्टैचू कांस्य धातु की 8 फीट बेसमेंट पे 8 फीट ऊंचाई में मूर्ति होगी, जो सतह से 16 फीट की हाइट पर होगी और उसका वजन 5 क्विंटल के आसपास। आपने किस कौन सी तारीख मुकर्रर कर रखी और क्या कल्पना चावला का परिवार का कोई सदस्य वहां मौजूद रहेगा? हमने कल्पना चावला के पिताजी जो 90 वर्ष के हैं और ये जैसे ही मूर्ति तैयार हो गई उनसे मैंने आने के लिए संपर्क किया। उस समय वो बहुत अस्वस्थ थे और उन्होंने 1 फरवरी को किसी भी तरह से आने की स्थिति में नहीं थे। उन्होंने कहा कि मेरा अगर स्वास्थ्य ठीक होगा तो मैं 1 हफ्ते बाद सूचित करूंगा। उनका फोन आया और बोला मैं धीरे धीरे ठीक हो रहा हूं, तो मैंने उनकी तिथि जो है यहां के अतिथियों से पूछ करके तो उन्होंने 11 दी और उस पर उन्होंने सहमति दर्शाई, इसीलिए 11 तारीख रखी गई। 11 फरवरी रीवा शहर के लिए एक ऐतिहासिक, उसको करके 12 कर दिया गया। 12 फरवरी रीवा के लिए ऐतिहासिक दिन। पॉलिटेक्निक कॉलेज में 8 फीट ऊंची 8 फीट के ही बेसमेंट में कल्पना चावला की प्रतिमा लगाई जाएगी, जैसा कि आपने बताया 1 फरवरी जिस दिन उनकी डेथ हुई थी और 17 मार्च जिस दिन उनकी पैदाइश थी। इन दोनों की जगह उन्होंने 12 फरवरी का दिन इसलिए मुकर्रर किया कि उस दिन कल्पना चावला के पिता भी हमारे बीच मौजूद होंगे। हम 12 फरवरी को जो कुछ भी पॉलिटेक्निक कॉलेज में होगा उसके लिए भी हम आपको पॉलिटेक्निक कॉलेज ले चलेंगे और दिखाएंगे वहां किस तरीके के हालात हैं, किस तरीके से कल्पना चावला की प्रतिमा को स्थापित किया गया है। आज के लिए बस इतना ही। अपने मेजबान जावेद अंसारी को दीजिए इजाजत।